नमस्कार, आई एम हरप्रीत कौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर लाइव एंड इंटरैक्टिव सेशन। आप देख रहे हैं इस वक्त हमें हमारे ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये सेशन है हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का सब्जेक्ट है वो है साइंस। और साइंस विषय के अंतर्गत जो टॉपिक हमने लिया है दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट टू। Of course, this is something we are going to discuss today, and it also means that we have already discussed, you know, part one of this particular topic. We will take a brief recap of what we have discussed in the previous session. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपके कोई भी questions हैं, please feel free to get in touch with us. आप हमें call कर सकते हैं और उसके लिए हमारा phone number है 8800440559। इसके अलावा अगर आप अपने क्वेश्चंस, सजेशंस या फिर फीडबैक हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@ciet.nic.in। आज का जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी एक्सपर्ट। वी आर जॉइन बाय डॉक्टर गीतांजलि मल्होत्रा। मैम, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू मैम, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। यस, and let me apprise you all that ma'am is assistant professor from Guru Ram Das College of Education from Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi. So ma'am, meri aapse ye request hai, isse pehle ki hum aaj ka topic aage hum proceed kare, please let us know ki humne part 1 mein kya kya sikha tha. Bilkul ma'am, start karte hain class 10 science ka hamara chapter magnetic effects of electric current. इस पर पहले के सेशन में कुछ टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं, उन्हें थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था मैग्नेट्स के बारे में, हम बचपन में मैग्नेट से खेला करते थे, इस बारे में डिस्कशन हुई थी। फिर हमने बार मैग्नेट देखा जिसके पोल्स के बारे में डिस्कस किया, इसके नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कैसे हमें मैग्नेटिक कंपास के डायरेक्शन पता लगाने में मदद करता है। इसके बाद हमने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि कैसे एक मैग्नेट अपने आसपास एक ऐसा एरिया बनाती है जिसके अंदर अगर हम किसी और मैग्नेट को लेकर आए तो वो दूसरा मैग्नेट कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यानी एक मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसके पास अपनी डायरेक्शन भी होती है। Right. और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ये हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, इमेजिनरी लाइंस होती है जो हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रेंथ है उसकी, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ये पता लगाने में मदद करता है। और साथ के साथ उसकी डायरेक्शन भी पता लगती है हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे हम आयरन फाइलिंग के साथ एक एक्टिविटी करके पता लगा सकते हैं कि एक बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या पैटर्न रहता है, जो हम फिगर में देख सकते हैं। अगर हमें कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना हो तो हम मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ये सब बात हमारी हो चुकी है। हमने कई सारे सिमुलेशन भी देखे थे इस चीज को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर हम देख रहे हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से इमर्ज होकर साउथ पोल की तरफ वो जाती है। और साथ के साथ हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जैसे कि ये क्लोज कर्व बनाती है, ये जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्राउडेड होती है, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ये बात हमें बताती है कि उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ। और साथ के साथ हमने ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी देखी थी कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो क्रॉस कर गई तो इसका क्या मतलब होगा कि उस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जिसकी वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहिए, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा हुआ था हिस्ट्री ऑफ साइंस में, जब हम गए थे हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रीक 1820 में। इन्होंने एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी की, इन्होंने पता लगाया कि एक इन्होंने जब देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, उससे एक कंडक्टर था, उससे करंट पास हो रहा था और पास में मैग्नेटिक कंपास रखा था। इन्होंने देखा जब कंडक्टर से करंट गया तो उस मैग्नेटिक कंपास में कुछ रिफ्लेक्शन देखने को मिली। उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्वेशन करके एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना पता लगाया कि एक जो कंडक्टर होता है अगर उससे करंट पास हो रहा होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दो सेपरेट एरियाज हुआ करते थे, इन्हें हम एक साथ रिलेटेड फिनोमेना की तरह स्टडी करना हमने स्टार्ट किया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रही थी हमारी हिस्ट्री ऑफ साइंस। इसके बाद जो हम बात करते हैं, हमने बात की कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर की
क्या होगी, उस शेप पर भी डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह की बनेगी। तो पिछले सेशन में हमने स्ट्रेट कंडक्टर को देखा था, जहाँ पर हमने सिमुलेशन के माध्यम से और हमने एक्टिविटी के माध्यम से जाना था कि एक स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट फॉर एग्जाम्पल वायर हम ले लें, जिससे अगर हम करंट का पास करवाते हैं तो उसके आसपास की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप लेती है। जी और हमने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझा था जिससे हम बहुत आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, जहाँ पर हमने जैसे राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। जैसे यहाँ सर्किट में अगर हम देखें तो एक्स से वाई तक हमने एक स्ट्रेट वायर दिखाई है जिससे करंट अगर फ्लो करवाते हैं हम सर्किट को कंप्लीट करके, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाते। इसकी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल स्टडी किया था कि अगर मैं अपने थंब को उस डायरेक्शन में पॉइंट करूँ, राइट हैंड लू राइट हैंड के थंब को उस डायरेक्शन में पॉइंट करूँ जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और अपने फिंगर्स को कर्ल करूँ, तो मेरे फिंगर्स उस तरह से कर्ल होंगे जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक्स से वाई की तरफ जब हमारा करंट जा रहा है तो मैं अपने राइट हैंड के थंब को एक्स से वाई की तरफ पॉइंट करती हूँ और अपने फिंगर्स का कर्ल करती हूँ, तो मुझे पता लगता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर हम पोलैरिटी को रिवर्स करके करंट को वाई से एक्स कर देते, तो मैं अपने थंब को वाई से एक्स करंट की डायरेक्शन में रखती हूँ और अपने फिंगर्स को कर्ल करती, तो मुझे पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गई। तो ये बहुत ही आसान रूल है जिससे हम फील्ड लाइन का पता डायरेक्शन का लगा सकते हैं। इसके बाद जब हम ये अगर स्ट्रेट कंडक्टर की बात करते हैं तो दो सवाल हमारे दिमाग में आ सकते हैं। एक तो कि जब ये करंट पास हो रहा है इस कंडक्टर से तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अगर हम करंट को बढ़ा दें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड पर कुछ असर पड़ेगा? या फिर अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर से हम दूर जाएं किसी दूर के एक पॉइंट पर देखें तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? क्या वो उतना ही रहेगा जितना इस कंडक्टर के आसपास था या उसमें कुछ चेंज आएगा? तो ये चीजें हम साइंस में एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन करके पता लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें अगर करंट को बढ़ा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड से बढ़ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बढ़ जाता है। साथ ही साथ जैसे जैसे हम इस कंडक्टर से दूर का कोई पॉइंट लेते हैं तो डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, और डिस्टेंस बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड घट जाता है, यानी एक इनवर्स रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है। यहाँ तक हमारी बात हुई स्ट्रेट कंडक्टर की। अगर ये बात हमें समझ में आ जाती है कि स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह की है, तो आगे की टॉपिक समझना भी थोड़ा सा यहाँ पर आसान रहता है। जैसे कि अभी मैंने एक वायर ली थी जो कि एक स्ट्रेट वायर थी, उस वायर को अगर मैं एक सर्कुलर लूप बना दूं जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो अब हमारे पास एक सर्कुलर लूप आ गई, और अगर इससे मैं करंट पास करवाऊँ तो विद्युत से इट इज करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर लूप। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह की होंगी ये पता लगाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि जैसे हम पिछले सेशन में एक्सपेरिमेंट की बात कर चुके हैं कि इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से अगर मैंने एक कार्डबोर्ड लगा दिया, कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ आयरन फाइलिंग्स अगर हम डाल दें, तो जब यहाँ से करंट पास हो रहा है तो यानी ये सर्कुलर लूप एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। उस मैग्नेट की वजह से जो यहाँ पर आयरन फाइलिंग्स है वो खुद को किसी पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करेगी। वो पैटर्न कैसा होगा वो हमें कार्डबोर्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखने का मिल जाता है। दूसरा तरीका ये भी है कि अभी जैसे हमने स्ट्रेट कंडक्टर की बात की और राइट हैंड थंब रूल की बात की, तो क्या मैं ये भी तो कर सकती हूँ कि इस सर्कुलर लूप को मैं बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शन कंसिडर कर दूँ, जो वो छोटे सेक्शन से स्ट्रेट कंडक्टर की तरह उसे हम एज्यूम कर सकते हैं। तो इसके सर्कुलर लूप के हर एक सेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, और मैं अपने राइट हैंड थंब रूल का अगेन इस्तेमाल करके यहाँ पर पता लगा सकती हूँ। अगर मैं हर एक सेक्शन पर राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करूँ तो मुझे पता लगेगा कि इनसाइड द सर्कुलर लूप हर बार जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम ही डायरेक्शन रहेगी। मैं चाहे बी के पास अपना थंब रख के अपने फिंगर्स को कर्ल करूँ, चाहे मैं ए के पास अपने थंब को रख के अपने फिंगर्स को कर्ल करूँ, मुझे हर बार देखने को मिलेगा कि इनसाइड दिस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में। तो एक बात हमें यहाँ जानने को मिलती है, और दूसरी बात ये कि जैसे हम इस सर्कुलर कॉइल से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम सेंटर के पास आते हैं, एक्सिस सेंटर के एक्सिस के पास आएंगे, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बड़े होते जाते हैं, और बाय द टाइम वी रीच टू द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप हमें देखने को मिलता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाती है, नॉट कम्प्लीटली स्ट्रेट बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन से हमें देखने को मिलती है, जिसे हमने अगेन यहाँ पर दिखाया गया है। सो एवरी सेक्शन ऑफ द वायर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप के अंदर की बात कर रहे हैं। और मान लीजिए यहाँ पर अगर हम अब सर्कुलर लूप तो एक टर्न देकर भी बनाई जा सकती है, दो टर्न, दस टर्न, एन नंबर ऑफ टर्न्स हम उसमें दे सकते हैं। तो ये बात हमें देखने को यहाँ पर मिलती है कि अगर हम एन नंबर ऑफ टर्न्स दे देते हैं सर्कुलर लूप को, तब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड एन टाइम्स लार्ज होता है एज मच एज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल टर्न। तो ये दो तीन बातें यहाँ पर समझ लेती है। तो अब तक हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर देखा मैम, हमने एक सर्कुलर लूप भी देखी है कि वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बन रही है। तो राइट हैंड थंब रूल जो हमें बहुत हेल्प करता है जी मैम। ओके ओके, अब हम अगर सॉलिनॉइड की बात करें, तीसरा जो हमारे यहाँ पर आता है, ऐसा एक हम सॉलिनॉइड लेते हैं, सॉलिनॉइड क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, इसकी एक अलग शेप है जैसे हम देख पा रहे हैं, इससे जब करंट फ्लो करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा इसकी बात यहाँ पर की जाती है। बेसिकली सोलिनॉइड होता क्या है, एक हेलिकल स्प्रिंग लाइक का स्ट्रक्चर है। हम देख सकते हैं हम कॉइल लेते हैं, उसको बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स देते हैं, तो इंसुलेटेड हमने कॉपर की वायर ले ली, उसे बहुत पास पास हमने कॉइल्स बनाकर सिलेंड्रिकल शेप इसको दे दी। तो हमारे पास जो सोलिनॉइड तैयार हुआ, इससे हमने एक अपना इससे हमने सर्किट को कंप्लीट किया, जहाँ पर एक बैटरी लगाई, साथ में हमने की पर अटैच किया। जब हम इस की को क्लोज करेंगे तो करंट इस पर इससे पास होना स्टार्ट करेगा इस पूरे सर्किट से। अब क्योंकि हम ऑलरेडी सर्कुलर लूप से देख चुके थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह की थी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मल्टीपल सर्कुलर लूप बन गई है। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि हर एक जो सर्कुलर लूप होगी उसका हर एक सेक्शन और हर एक सर्कुलर लूप अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बना रही होंगी, और जब ये इन सबके मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ज होकर एक इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की शेप हमें देखने को मिलती है, जैसे हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये बहुत ज्यादा असिमिलर है उस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो हमने बार लेक्चर से शुरू में डिस्कस की थी, जहाँ पर हमने देखा था कि नॉर्थ पोल से इमर्ज होकर साउथ पोल में कन्वर्ट हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड। इसको समझने के लिए एक छोटा सा सिमुलेशन हम देख लेते हैं। तो ये हम एक देखने की कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकली कि ये कैसे लगता है, कैसे वर्क करता है ये। जी मैम, जी बिल्कुल। एक्चुअली साइंस में यही है कि हम एक्सपेरिमेंट जितना करके देखे, जितनी ऑब्जर्वेशन करके देखे, तो समझने में हमें ज्यादा मदद आसानी मिलती रहती है। है। जी सो आई एम श्योर हमारे स्टूडेंट्स भी इसे ध्यान से देख सकते हैं एंड उससे उनको काफ़ी मदद मिलेगी इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने में। जी ठीक है मैम, बाय द टाइम ये लोड होता है हम आगे की थोड़ी सी स्लाइड देख लेते हैं यहाँ पर। एब्सोल्युटली जी, जैसे मैं सॉलिडाइड की यहाँ पर बात कर रही थी, अभी जैसे हमारा लोड हो जाएगा तो हम वहाँ पर सिमुलेशन भी उसमें देख पाएंगे। तब तक के लिए जैसे हमने देखा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हम ध्यान से देखें, तो पहले हमने बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस किया था। बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह की बन रही थी कि वो नॉर्थ से इमर्ज होकर साउथ में जाकर कन्वर्ट हो रही थी, और सिमिलर चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वैल्यू ऑफ सिमिलरिटी बार में से। इन साइड सोलेनोइड अगर हम देखें, इन साइड हम अगर अपना वही कंसीडर करें, जब हम छोटे छोटे सेक्शन में हर एक सर्कुलर लूप को डिवाइड करके हम करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को करके अपने फिंगर्स को कर्ल करें, तो उस एक्सरसाइज से हमें ये जानने को मिलता है कि विद इन दिस सोलेनोइड, इन साइड दिस सोलेनोइड, सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाए वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है। हर एक सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना इन साइड द सोलेनोइड वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट करता है, तो अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन देखने को मिलता है। तो इन साइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन एंड द फील्ड इज यूनिफॉर्म। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब जब ये इन साइड हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम एक ऐसा मटेरियल ले जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्ट आयरन, उसको अगर हम इस कॉइल के अंदर रख देते हैं करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर,
तो हमें देखने को मिलता है कि वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी अब वो भी मैग्नेट की तरह वर्क करता है, और अब इस मैग्नेट जो हमने अंदर इससे मैग्नेटिक मटेरियल रखा और करंट कैरिंग सोलेनोइड, इन दोनों से मिलकर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इवन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलता है, जिसका फर्दर यूटिलाइज किया जा सकता है। ओके तो ये बात हमारी हुई सोलिनोइड की। सोलिनोइड की हमने एप्लीकेशन जानी, इस पूरे सिस्टम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो करंट जब वहां से पास हो रहा है तो एस मैग्नेट तब तक वैसे काम करता रहेगा, एस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। राइट, तो हमने यहाँ कुछ तीन तरह की शेप कंडक्टर्स की देखी। एक हमने देखा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक हमने देखा कंडक्टर इन द शेप ऑफ सर्कुलर लूप, और एक हमने सोलिनोइड देखा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किस किस तरह की बनती है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमने स्टार्टिंग में पिछले सेशन में भी बात की थी कि एक मैग्नेट के पास अगर हम कोई दूसरी मैग्नेट लेकर आते हैं तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करती है, तो यानी कि दूसरे मैग्नेट पर कुछ फोर्स लगता है। जी। और क्योंकि यहाँ पर फिर हमने ये देखा कि अगर एक हम कंडक्टर ले लें और उससे करंट पास करवाएं तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेट बन जाते हैं, यानी उस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट लेकर आए तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यही बात जब हमने देखी थी, उस करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट द फोर्स ऑन अ मैग्नेट प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ दिस कंडक्टर। लेकिन एंजा मैरी एम्पियर ने यह कहा कि जो मैग्नेट हम पास में लेकर आए हैं, क्या वो मैग्नेट भी तो एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर। हम पता ही है टू एवरेजन द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस इसी बात का इस्तेमाल करते हुए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, जिस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को रख दो, कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर यानी इससे करंट को पास करवाए, तो वो कंडक्टर अपनी जगह से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है, डिस्प्लेस होता है। वो डिफ्लेक्शन हमें ये बताती है कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर ने कुछ फोर्स एक्सपीरियंस किया। अब उस फोर्स को वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगी ये पता लगाने के लिए हमारे पास एक और रूल आता है। उससे पहले हम जरा इस फिगर को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम एक मैग्नेट को लेकर आए। अब हम देख सकते हैं हमने इसको इस तरह से रखा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को हमने इस तरह से मैग्नेट को प्लेस किया कि मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। हम एक एलुमिनियम रॉड लेकर आए, उस रॉड को हमने सस्पेंड कर दिया हॉरिजॉन्टली, यानी कि उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस एलुमिनियम रॉड को हमने हॉरिजॉन्टली रख दिया, इसे सस्पेंड किया तो रोटेट और इससे हमने करंट को पास कर लिया। जब इसका करंट पास होगा तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, तो ये डिफ्लेक्ट होता है और यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि इसका फोर्स है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी देखने को मिलती है कि जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम करंट की डायरेक्शन को रखें, यानी करंट तो कंडक्टर से फ्लो कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उस टाइम पर सबसे ज्यादा फोर्स ये जो कंडक्टर होता है ये फेस करता है। तो यानी कि परपेंडिकुलर जब ये होते हैं तब उस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगती है। इस केस में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें ये बताते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। इस रूल को बोलते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं मैग्नेटिक ऑफ फोर्स इज हाइएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, बहुत आसान रूल है जो हमें बताते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से पता लगाएं अगर हमारा फील्ड और करंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो ये लॉ कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड को लें, अपने लेफ्ट हैंड का थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, इन्हें इस तरह से ओरिएंट करें कि ये एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जो हमारे फर्स्ट फिंगर है उस फिंगर को हम उस डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जो हमारी सेकेंड फिंगर है उस फिंगर को हम उस डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं जिस डायरेक्शन में कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा होता है। जब हम फर्स्ट और सेकेंड फिंगर को ओरिएंट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली, तब हमारा थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है वो डायरेक्शन हमें बताती है कि उस कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगी, या फिर वो कंडक्टर किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये बहुत आसान सा रूल है। जैसे हम देख सकते हैं अगर फर्स्ट फिंगर पॉइंट करे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेकेंड फिंगर पॉइंट करे हमारे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो थंब हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर ये बात बताएगा। तो अभी जो हमने फिगर देखी थी, एक्सपेरिमेंट हम करके देख रहे थे, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है तो मैं अपनी तो अपर डायरेक्शन में है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो मैंने अपनी फर्स्ट फिंगर को इस तरह से अरेंज किया कि वह अपर डायरेक्शन में होगी। जो हमारा कंडक्टर एल्यूमिनियम रोड है उसमें बी से ए की तरफ करंट आ रहा है, यानी कि इसको हम स्क्रीन से बाहर मान सकते हैं, तो इसको मैंने बाहर की तरफ को रखा बी टू सी।
तो मैं देख सकती हूँ जब मैंने इन दोनों का निचले परपेंडिकुलर रखा तो मेरा थंब लेफ्ट डायरेक्शन में मेरे इस तरह और लेफ्ट डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है, यानी कि इस कंडक्टर पर लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लगी है, ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर किसी एक चीज को रिवर्स कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होता है कि नॉर्थ अपवर्ड और साउथ डाउनवर्ड होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड लग रहा होता है, तो मैं क्या करती फील्ड का पता लगाने के लिए अपनी फर्स्ट फिंगर को मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चेंज कर दूंगी, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, तो मेरा नॉर्थ से साउथ हो जाता और जो करंट है वो बी टू ए ही फ्लो कर रहा है, यानी आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन। अब हम देख सकते हैं कि मेरा थंब राइट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, यानी कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई। अब जो इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा तो उस केस में जो हमारा कंडक्टर है वो राइट की तरफ से डिफ्लेक्ट होगा, राइट की तरफ से फोर्स लगेगी। एक और केस हम यहाँ पर देख सकते थे कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड तो अपवर्ड ही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ही है, लेकिन करंट की अब हमने रिवर्स कर दिया, यानी करंट अब बी से ए पर आने की जगह ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी कि करंट इन साइड द स्क्रीन हो जाता मेरे लिए। तो मेरी मेरे जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो सेकेंड फिंगर है वो उस केस में करंट की डायरेक्शन में होती, तो अब मेरे जो थंब है वो बताएगा कि फोर्स इस पर किधर लग रही है, तो फोर्स इस केस में राइट की तरफ से लगती। तो इस तरह से हम अपने प्लानिंग का लेफ्ट हैंड का रूल का इस्तेमाल करके फोर्स इस डायरेक्शन में करंट कैरिंग कंडक्टर इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड लगती है, ये बात भी यहाँ पर पता लगा सकते हैं। ये जो अभी तक हमने देखा मैम, हमने राइट हैंड थंब रूल देखा, हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें देखने को मिली कि एक ऐसा कंडक्टर जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है या फिर मैग्नेटिक अफेक्ट को जनरेट करता है, मैग्नेटिक बनाला एक्ट करता है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। अभी अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में स्टडी किया कि हम एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देते हैं जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है और फिर उसका यूज कर सकते हैं हम अलग अलग फील्ड में। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सारे जो हमारे फील्ड्स हैं, ये सारी जो एप्लीकेशन है वो मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही आती है। राइट, यहाँ पर हम अलग अलग तरह से अपने फिंगर्स को ओरियंट करके अलग अलग केसेस ले सकते थे। एक केस हमारा ये भी हो सकता था कि मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन को रिवर्स करके देखे और करंट को भी रिवर्स करके देखे, उस केस में फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। ऐसे करके हम अलग अलग एक्सरसाइज यहाँ पर की जा सकती है। आई होप मैम ये प्लानिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्लियर होगा अभी। जी जी मैम। मैम समय हमारे पास बहुत कम रह गया है, तो क्या एक बार हम ट्राई कर लें वो जो डेमो आप दिखाना चाह रहे थे, अगर डाउनलोड हो गया तो वो हम स्टूडेंट्स को एक बार ही दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हमें सेशन रैप अप करना होगा। जी अदरवाइज हम अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है, कोई भी ऐसा डाउट रह जाता है, तो प्लीज़ आप हमें ईमेल ज़रूर लिखिए। इस वक्त हमारी सेशन आप ई विद्या चैनल पर देख रहे हैं, लेकिन जल्द ही ये यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप इसको दोबारा देख सकते हैं। और कोई भी आपके डाउट हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू गेट इन टच विद अस, dth.class10@cieet.nic.in हमारी ईमेल आईडी है। और एक बार मैं मैम से फिर पूछना चाहूंगी कि मैम इज द डेमो रेडी, कैन वी वॉच इट? मैम एक्चुअली आई थिंक इट इज टेकिंग टाइम टू स्टार्ट। ओके नो प्रॉब्लम मैम, वी कैन ट्राई टू शो इट सम अदर टाइम बिकॉज नाउ वी हैव टू रैप अप द सेशन ओवर हियर, बट थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेशन। और आपने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाए हैं, आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स को पार्ट टू बहुत अच्छे से समझ आया है। और Once again, ma'am, thank you so much. If at all there is any query, students will definitely reach you. Thank you so much. Thank you so much. So, viewers, अब समय है session को यहाँ पर wrap up करने का, लेकिन अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे हमारा अगला session, which will be on the subject mathematics, और topic रहेगा Huron's formula part 2. तो फिलहाल के लिए मुझे यानी हरप्रीत कौर को इस session से दीजिए अनुमति। I'll join you soon. तब तक के लिए नमस्कार।